बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट वर्ड्स। स्मार्ट वर्ड्स रिप्लेस वेरी, ठीक है, वेरी की जगह पे हम कुछ और तरह के वर्ड्स स्मार्ट वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह हम लोग अक्सर वेरी को, बेचारे को जो है ना, उसका जिस तरह नींबू निचोड़ते हैं ना, तो उसका पूरा जो है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सही है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी नाइस, हाँ, ही इज वेरी काइंड, हाँ, ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी हैंडसम, हाँ, ही इज वेरी वेरी गुड एट कुकिंग, कुकिंग मतलब यार वेरी 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 हर जगह वेरी, मतलब ये तो फिर तो आप पूरा, मतलब वो पूरा इस पे वो क्या कहते हैं, तकरीर लिख सकते हो फिर तो, ऐसे तो वेरी की जगह पे, ठीक है। तो हमने इस तरह नहीं करना है, तो आज हमने सीखना है कि वेरी की जगह हम कौन कौन से दूसरे इसके जो है सिनेनियम की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी की जगह हम लिख सकते हैं, पहला है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ठीक है। दूसरा है आपका एक्स पेंशनली है, ठीक है। रियली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, रियली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सीडिंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कहते हैं, इमेंसली, इमेंसली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रमेंडसली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर्टिक्यूलरली, ठीक है। देखें कितने सारे वेरी की जगह हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरी का ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलो इसका थोड़ा सा यूज़ सीखते हैं, किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। हम कहते हैं भाई, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है, लेडी कह लो जो भी है, ठीक है। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है वो वेरी की जगह से, तो ठीक है। ही दूसरा अल्फाज ले लेते हैं, ही इज एन ही इज एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड एक्टर, एक्सेप्शनली टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। वेरी की जगह हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। दे आर रियली गुड एट कुकिंग, वो वाकई अच्छे कुक हैं, ठीक है। वेरी की जगह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ही इज हैंडसम, हैंडसम एंड एंड
एक्सीडिंगली काइंड, एक्सीडिंगली काइंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहरबान भी है, काइंड मेहरबान को भी कहते हैं, ठीक है। वेरी की जगह पे हमने एक्सीडिंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा और क्या लिखते हैं, काशिफ इज, काशिफ इज इमेंसली पॉपुलर, पॉपुलर एक्टर, वो बहुत, काशिफ इज एन इमेंसली पॉपुलर एक्टर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मशहूर है, ठीक है। पॉपुलर का मतलब, वेरी की जगह देखें ये भी आ गया, ठीक है। वी ऑल इंजॉयड, वी ऑल इंजॉयड ourselves in, we are enjoyed ourselves tremendously, ठीक है, हमने बहुत ही ज़्यादा enjoy किया, ठीक है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं, I am particularly, particularly interested in learning इंग्लिश, ठीक है। अब आप देखें कितने ये स्मार्ट कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये बंदा जो है इसको बेसिक भी बड़ी मुश्किल से आती है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंसेस लिखने के बाद उसकी कन्वर्सेशन जो है कितनी अट्रैक्टिव हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।